एकदम मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एकदम लगे पर हो, मैसेज पे मैसेज करो, कॉल पे कॉल करो, कहाँ से मतलब आपकी कदर करेगा वो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर, आपका लव पार्टनर, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, ठीक है, वो पार्टनर आपका फीलिंग नहीं समझ रहा है। मतलब आप क्या फील करते हो, ठीक है, मतलब आपके इमोशंस को भी नहीं समझता है वो, ठीक है, पूरा गिरगिरा देते हो, रो देते हो उसके लिए, लेकिन नहीं समझ रहा है। एक अपना माइंडसेट बना लिया है, बस एकदम साला ढीठ हो चुका है, समझता ही नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, ठीक है, लेकिन वो आपका फीलिंग का कदर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करें, इसका रीज़न क्या है, उपाय क्या है, ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो हम फील कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, हमारा फीलिंग जेन्यून है, ठीक है। सुनो, पहले मान लो कि मुझे फीलिंग आ रही है यार, मुझे सेक्स करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, लेकिन मेरी बंदी करने ही नहीं देती यार। तो यार उसका मर्जी नहीं करने दे रही, हो सकता है बेचारी का पीरियड चल रहा होगा, या वो डरती होगी, अभी ट्रस्ट नहीं बना पाए हो आप उसके माइंड में, वो डरती है, आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करती है। तो इसमें नहीं बोल सकते कि मेरी सेक्स करने की फीलिंग समझती नहीं है, अरे ये उसका मर्जी है, डर रही है वो, आप समझ रहे हो। तो हम लोग का ये जेन्युइन फीलिंग नहीं है, आप समझ रहे हो। अब मान लो कि आप बंदी हो, आपको 50,000 की जरूरत है, और आप मांग रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से, यार सुनो ना, मेरे को 50,000 रुपये दो ना। अब वो बंदा साला नहीं दे पा रहा है ही नहीं उसके पास, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरा फीलिंग समझता ही नहीं मेरा बॉयफ्रेंड, अरे यार कहाँ से दे पाएगा 50,000, ठीक है। तो फीलिंग भी जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे को चाहिए एकदम साला एक और मेरा पार्टनर मेरे लिए एक और ताजमहल बना दे, लेकिन बना ही नहीं पा रहा यार, इतने पैसे ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं समझ रहा है भाई, औकात के हिसाब से है, ठीक है। फीलिंग आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। अगर जेन्युइन फीलिंग है, ऊपर से बेसिक भी है, फिर भी नहीं समझ रहा है, तब बोल सकते हैं कि साला फीलिंग नहीं समझ रहा है। फरमाइश इतना कर दियो फीलिंग में और समझ नहीं पा रहा है, तो फिर गलती तो हम लोग की है ना, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक फीलिंग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान क्या चाहता है अपने पार्टनर से, कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम दे, मेरा पार्टनर मेरे को मतलब अच्छे से बात करे मेरे से, मेरा पार्टनर मेरे साथ घूमे, ठीक है, मेरा पार्टनर मेरे मम्मी पापा से या वो अपने मम्मी पापा से शादी का बात करे, ठीक है, मेरा पार्टनर, ठीक है, मतलब जब भी मेरे को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत हो वो हमेशा मेरे साथ रहे, टाइम पे कॉल उठाए, टाइम पे बात करे, वो बिजी भी है फिर भी एक टाइम वो निकाले ताकि मेरे से बात करे, इतना ही होता है, है? कि शादी करे, प्यार करे, धोखा ना दे, या मुझे उस लड़की से दिक्कत है तो मेरा बॉयफ्रेंड उस लड़की से बात ना करे, या मेरी गर्लफ्रेंड उस लड़की मतलब उस बंदे से बात ना करे, आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर मान लो कि उससे बात कर रहा है जिसको आप पसंद नहीं करती हो, ठीक है, तो फिर फीलिंग नहीं समझ रहा है आप सर, बेसिक फीलिंग यही होता है। आप फिर भी मान लो कि इतना बेसिक फीलिंग भी आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, तो साफ रीजन है भाई कि अभी वो आपको उतना क्या बोलूँ प्रायोरिटी नहीं देता है, ठीक है, मतलब उसके मन में अभी आपको लेकर खोने का डर नहीं है, समझ रहे हो यार। कभी तो उसके मन में था ना मेरे लिए फीलिंग, अभी नहीं है, यानी कि फीलिंग यानी कि फिर से डेवलप हो सकती है। देखो स्टार्ट रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में फीलिंग होता है, फीलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, धूल मिट्टी सब ऊपर परत जमा लेती है फीलिंग के ऊपर, इसलिए फीलिंग नहीं दिखती है। लेकिन दबी हुई फीलिंग को भी उभारा जा सकता है, उठाया जा सकता है, आप समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम घर पे रहते हैं, तो घर पे मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं, भाई वाई, ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, मम्मी पापा साथ रहते हैं, कोई फीलिंग नहीं, नॉर्मल है कि हाँ मम्मी क्या हुआ, अच्छा आटा लाना है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अच्छा पापा सब्जी लाना, अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अरे यार पापा भी ना मेरे को मार्केट भेज देते हैं, हवाई चप्पल पहना था, ये वो, इस टाइप का होता है, ठीक है। आपको कोई उतना वैल्यू नहीं पता चल रहा है मम्मी पापा के साथ, क्योंकि डेली खाना बैठना दिन भर उन्हीं के साथ रहते हो। लेकिन भगवान ना करे आपके घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई, आप ही के पापा का तबीयत खराब हो गया, मम्मी का तबीयत खराब हो गया, और इतना सीरियस हो गया कि हॉस्पिटल में जाना पड़ गया उन लोग को, ठीक है, तब अचानक आपको मम्मी को लेकर या पापा को लेकर या कोई भी खास आपका हो, भाई आपका फीलिंग जगेगा,
कि यार कहीं मम्मी को कुछ हो ना जाए, फीलिंग तो नहीं था भाई, अचानक कैसे आ गया चीज को। लॉजिक का बात, लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, सुनना, साइकोलॉजी समझना। यही मम्मी पापा के साथ हम लोग रहते थे, कोई कदर नहीं, हाँ मम्मी क्या है, मम्मी दिन भर डांटते रहती है, अरे यार इतना मत सुनाया करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यही मम्मी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। अब मन में आ गया, अरे यार कुछ हो ना जाए मम्मी को, यानी कि मम्मी को खोने का डर आ गया मन में, तो फीलिंग जग गई। यानी कि आपका पार्टनर आपको फीलिंग, आपका फीलिंग नहीं समझ रहा है, यानी कि उसको डर ही नहीं है कि मतलब आपको लेके खोने का डर ही नहीं है उसके मन में, समझ रहे हो? क्यों पता है? क्योंकि आपको ही ज़्यादा खोने का डर है इन कंपेयर टू वो पार्टनर। आप ही अपना दिखा दिया कि मुझे खोने का डर है, अरे भाई उसको तो दिखाने दो हैं। आपका पार्टनर आपका फीलिंग क्यों नहीं समझे, क्यों समझेगा? आप खुद ही फीलिंग दिखा देती हो उसको। भाई मम्मी का जब तबीयत खराब हुआ तो भाई हम लोग का दिमाग फट गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, ओ माय गॉड मम्मी कहीं छोड़ के ना चले जाए, ये ना पापा को कुछ हो ना जाए, डर आ गया ना। प्यार तो था लेकिन अवेलेबल बहुत थे मम्मी पापा आपके लिए, ठीक है। उठते थे, मम्मी कहाँ हो, अच्छा पूजा कर रही हो, पापा कहाँ हो, अच्छा नीचे ये दुकान गए हो, मतलब आसपास ही रहते थे मम्मी पापा, तो रहते रहते ठीक है। बहुत ही वैल्यूबल लोग हैं मम्मी पापा, हमारे लिए बहुत ही वैल्यू वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वो वैल्यू वाले लोग के साथ हमेशा रहोगे तो वैल्यू कम ही नज़र आएगी। लेकिन अचानक वो मम्मी मतलब हॉस्पिटलाइज हो गई, तो वही घर की मुर्गी दाल बराबर भी महंगी दाल लगने लगी, आप समझ रहे हो भाई? यानी कि आपका पार्टनर आपका फीलिंग तभी समझेगा जब उसको खोने का डर होगा आपको लेकर। अब रही बात खोने का डर कैसा पैदा करें, कैसे पैदा करें, इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी देख लेना, खोजना ठीक है, कि खोने का डर कैसे पैदा करें। बहुत अच्छा वीडियो लोगों को लगा था, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, ठीक है। खोने का डर कैसे पैदा करें यार, सबसे पहले तो ये जो फटफट कॉल मैसेज उठाते हो ना, ठीक है, चुतियों की तरह उठा लिए फट से, हाँ हाँ, और अपने चेहरे पे अपने बातों में वो डेस्परेशन दिखता है कि मुझे तुम मिल गए तो एकदम औकात से बाहर है, ये नहीं दिखाना है, आप समझ रहे हो? एकदम मतलब एक घंटा दो घंटा तीन घंटा एकदम लगे पर हो, मैसेज पे मैसेज करो, कॉल पे कॉल करो, कहाँ से मतलब आपकी कदर करेगा वो, आप तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, समझ रहे हो भाई? इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार क्या गैप मारो, क्या नो कॉन्टैक्ट रूल, क्या ये, अरे भाई काम करता है, भाई काम करता है, नो कॉन्टैक्ट रूल भी करना जरूरी है बीच बीच में। नो कॉन्टैक्ट रूल ये नहीं होता है कि एकदम जब घटिया चले रिलेशनशिप तभी फॉलो करना, नहीं, अभी अच्छा भी चल रहा है तो आगे भी अच्छा चले उसके लिए बीच में नो कॉन्टैक्ट रूल बीच बीच में कर देना चाहिए। फीलिंग तभी समझेगा ठीक है जब आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होगे। यही है, यही दुनिया का मतलब चल रहा है, लेकिन मतलब समझ रहे हो, दुनिया ऐसा ही है भाई, क्या करोगे हैं भाई। अब जैसे मेरे को पता नहीं आप लोग उतना प्यार करते हो कि नहीं करते हो, बहुत लोग तो करते हैं, बहुत सब्सक्राइबर ठीक है, बहुत लोग हो सकता है मैं घटिया भी लगता हूँ ठीक है। जैसे मैं अभी रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, तो हो सकता है मेरा लगातार वीडियो देख देख के पक जाएंगे, क्या यार एक ही बार बोलता है हेलो फ्रेंड्स मैं हुआ, मैं हूँ सुबह सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, ठीक है, क्या एक ही चीज़ बकते रहता है। अचानक मान लो मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूँ ठीक है, हाल बीच में छोड़ा भी हूँ बहुत बार, तो मेरे को जो मेरे फैन टाइप के लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं पर्सनली मुझे इंस्टा पर, सर वीडियो नहीं बना रहे हो, ठीक हो सर आप, ठीक हो आप, सर यानी कि उनको लग गया कि यार मतलब वीडियो नहीं बना रहे हैं, मेरे को मिस करने लगे, क्यों? क्योंकि मैं अपना अवेलेबिलिटी वो गायब कर दिया, आप समझ रहे हो? अभी रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, तो हो सकता है सबको लगता होगा कल भी वीडियो डालेगा, परसों भी, कभी भी देख लेंगे, छोड़ो ना। लेकिन अचानक 10 दिन से मैं बनाना बंद कर दूँ तो हो सकता है कुछ लोग आप लोग में से जो मेरे से को प्यार करते होगे, आप लोग हो सकता है मिस करने लगो। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पार्टनर के केस में ऐसा होता है, मम्मी का ही बताया, घर परिवार सब में होता है भाई हैं। आप दो दिन के लिए चल जाओ बाहर कहीं, दो महीने के लिए, फिर आना घर पे, देखना आपके लिए पूरी सब्जी बनेगा, खीर पूरी, अरे मेरा बेटा आया, मेरी बेटी आई है, कैसे, क्यों? क्योंकि बहुत दिन के बाद आप आए, गैप मार के आए ठीक है। तो फीलिंग तभी जगेगा भाई जब आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे। और एक और चीज़,
वो कहीं ना कहीं मतलब वो एकदम सच्चा प्यार करेगा तभी उसकी आपका फीलिंग समझ पाएगा, आप समझ रहे हो। नहीं तो कितना भी रोते रहो, बहुत लोग ये बोलेंगे नहीं इतना तो एफर्ट किया, नो कॉन्टैक्ट भी किया, वो फीलिंग नहीं समझता है, तो वो चुतिया को आपसे प्यार नहीं होगा फिर। अब ज़बरदस्ती प्यार तो पैदा नहीं कर सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत हद तक इंटरेस्ट जगा सकते हो, ठीक है, कि अच्छे लुक्स आप कर लिए, बॉडी वॉडी बना लिए, या खच पैसा आ गया तो आपसे वो अट्रैक्ट हो सकता है, या आप में वो हल्का इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं कर सकता, समझ रहे हो। सच्चा प्यार अगर करना होता तो आप गरीब भी रहते तब भी करता, पैसा आ जाने से अगर सच्चा प्यार कर रहा है तो समझ लो वो बस अट्रैक्ट हुआ है, समझ रहे हो। तो सुनो, आपका बहुत लोग रोते हैं कि सर मेरा पार्टनर मेरा फीलिंग नहीं समझता है, भाई आप में जरूर कुछ ना कुछ है कमी, सच्चाई है भाई, ठीक है, कमी कुछ ना कुछ है कैरियर को लेके, ठीक है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी खो रहा है, इंटरेस्ट भी खो रहा है आपका पार्टनर आपको लेके, ठीक है, पहले फीलिंग था अब नहीं समझ रहा, आपकी कदर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको चुतिया समझ रहा है, आपको लूजर समझ रहा है, समझ रहे हो, है भाई, चीज़ को अपनाओ, मैं एकदम सटीक बोलूँगा, है कमी, कमी रहता है कुछ ना, कमी इन द सेंस उसको जो चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में कमी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो हैंडसम हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, मेरे में क्या कमी, हो सकता है कैरियर वाइज फिर कम हो गए जो उसको वो पसंद नहीं आ पा रहा है, अब आप बोलोगे नहीं कैरियर भी अच्छी है, लुक्स भी अच्छी है, तो हो सकता है बिहेवियर वाइज आप अच्छे नहीं हो गए, उसको कोई और ढंग से बात करने वाला मिलता है, तो आप बोलोगे नहीं बिहेवियर भी अच्छा है, कैरियर भी अच्छा है, लुक्स भी अच्छा है, तो भाई हो सकता है आपसे ओवरऑल उसको वाइब्स नहीं आ रही है, हो सकता है सेक्सुअली आप उसको नहीं उतना वो लग रहे हो, मतलब होता है बहुत लोग का, आप समझ रहे हो, मतलब नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो उसको, वाइब्स ही नहीं आ पा रहा है, हो सकता है आप में कभी आप लोगों में फिजिकल हुआ था, सेक्सुअली आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लुक्स अच्छा होने के बाद भी, कैरियर अच्छा होने के बाद भी, बिहेवियर अच्छा होने के बाद भी, तो हो सकता है आपका पार्टनर कुछ कॉन्टेक्स्ट में आपको कम पाया होगा, इसलिए उसके मन से थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, इसलिए फीलिंग नहीं समझ आ रहा है। तो भाई जो भी कॉन्टेक्स्ट में आप कम हो चुके हो उस पर काम करो, ठीक है, घंटा साले वो जो है ना आपका पार्टनर कोई बड़का तोप नहीं है, ठीक है, वो भी इंसान ही है, अगर फीलिंग नहीं समझ रहा है आपका तो खुद पे काम करो, क्यों नहीं समझेगा, समझ रहे हो, इसलिए क्या मैं बोलूँ, खुद पे काम करो भाई, रोन आप लोग रोते बहुत हो, फीलिंग नहीं समझ रहा, अरे भाई आप पहले अच्छे से बैठो, शांत दिमाग रखो और सोचो कि क्यों, क्या चीज़ में फीलिंग नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं क्या उससे फरमाइशी कर रहा हूँ जो मेरा फीलिंग नहीं समझ आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैं उससे टाइम चाह रहा हूँ कि मेरे को टाइम दे बात करने का, तो दिमाग लगाओ क्या वो बिजी रहता है, क्या बोलोगे हाँ बिजी रहता है, तो हो सकता है ऑफिस में बिजी रहता होगा, कहाँ से टाइम देगा। अब आप बोलोगे नहीं फ्री भी हो जाता है फिर भी तो ऑनलाइन दिखता है, यानी कि सच में फीलिंग वो नहीं समझ रहा, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, यानी कि आपको कुछ ऐसा करना होगा कि वो पगला है, तो लुक्स पे काम करो, स्टेटस लगाओ, बहुत लोग क्या एकदम सोशल मीडिया चलाते नहीं, चलाए एकदम डीपी लगाते रहो, अट्रैक्ट किए रहो हर चीज़ में, आप समझ रहे हो ना। मान लो आप स्टूडेंट हो और आपका पार्टनर आपको चुतिया समझ के रखा है कि ये घंटा का स्टूडेंट ही रहेगा, क्या पता साला वो बैंकिंग निकल जाए, क्या पता एकदम आप ट्वेल्थ में भी हो एकदम ट्वेल्थ में ले आए साला 95%, ऑब्वियस सी बात है जगेगा उसके माइंड में, यार इस बंदे का तो फ्यूचर ब्राइट है यार, बैंक में चला गया, बैंक में नौकरी लग गया, फीलिंग ऐसे ही जगता है भाई, खोने का फीलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खोने का डर, ठीक है, खोने का डर जितना ज़्यादा होगा आपके पार्टनर को आपको लेकर, ठीक है, फीलिंग उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, खोने का डर पैदा करो, अपने आप में डर पैदा मत करो, उस पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर खोने का डर पैदा करो, ठीक है, सब लॉजिकल है भाई, सब लॉजिक है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं भी आए फिर भी लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। पर्सनली मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो कॉल पे, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है, पेमेंट की डिटेल मिल जाएगी, एक घंटा में बात करता हूँ, अच्छे से बात करूँगा, ठीक है, जो पूछना है पूछना, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है, कुछ वहाँ पूछना हो तो पूछ लेना, थोड़ा वेट करना, मैसेज का रिप्लाई मैं दे दूंगा, बहुत लोगों का मैसेज आता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।